ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एटा में एसएसपी आशीष तिवारी ने जनपद में एक नई पहल शुरू की है, जिसमें स्कूलों में पुलिस पाठशाला का आयोजन कराकर छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए टिप्स दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज अलीगंज में आरडी आवासीय इंटर कॉलेज में एसएसपी आशीष तिवारी की पहल पर पुलिस पाठशाला का आयोजन किया गया। आयोजित पुलिस की पाठशाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को टिप्स दिए और छात्र छात्राओं ने कुछ तीखे सवाल भी किए, जिनका उन्होंने हंसकर उत्तर दिया। उन्होंने बच्चों से प्रश्नों को पूछा और उत्तर देने वाले बच्चों को शील देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर एसएसपी का आयोजक मंडल द्वारा प्रतीक चिन्ह फूलमालाओं से स्वागत किया गया। वैसे तो जनपद में एसएसपी आशीष तिवारी पुलिस विभाग से हटकर नए नए काम करते रहते हैं। उसी क्रम में उन्होंने जनपद के स्कूलों में पुलिस पाठशाला भी शुरू कर दी है। इसलिए आज जनपद एटा में अलीगंज तहसील क्षेत्र में स्थित आरडी आवासीय इंटर कॉलेज में पाठशाला को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि सफलता पाने के लिए बच्चों को एक लक्ष्य बनाकर उस पर चलने की आवश्यकता है। ये एक पुलिस की पाठशाला है। पाठशाला में क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद होता है, तो आप अपनी बात कर सकते हैं और मैं अपनी बात रखूं। क्योंकि आप लोगों का जोश मुझे देखते बनते ही बहुत ज्यादा आपका जोश दिख रहा है कि आप सभी लोग यहाँ पर है। उन्होंने अपने छात्र जीवन के बारे में छात्र छात्राओं को बताया कि वह किस प्रकार इस लक्ष्य तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, जब हमने सरकारी स्कूल में पढ़कर यह मुकाम हासिल किया तो आप तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप कहां तक जाएंगे। छात्रों से संवाद के दौरान एसएसपी द्वारा उन्हें अपना टारगेट तय करने के साथ कठिन मेहनत करें तो कोई भी टारगेट प्राप्त किया जा सकता है। असफलता यह सिद्ध करती है कि हमने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया, इसलिए सफलता प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करना चाहिए। जीवन पर्यंत सफलता के लिए आपका व्यवहार महत्वपूर्ण है। वहीं एसएसपी आशीष तिवारी ने बच्चों से संवाद भी किए, जिसमें पुलिस की भूमिका, अपराध रोक नहीं, यातायात नियमों, घरेलू हिंसा से संबंधित सवाल किए। प्रत्येक सवाल के जवाब देने पर 2 से 4 छात्राओं को सील देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं कुछ छात्रों ने आईएएस पीसीएस परीक्षा के संबंध में भी जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि एक लक्ष्य पर चलकर इसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रों की क्लास लेते हुए पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक महोदय ने पुलिस एवं पुलिस के सहयोगी अन्य संगठन द्वारा आमजन के सुरक्षार्थ एवं सहयोगार्थ किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिम युक्त कार्यों के बारे में बताया कि पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहती है, वो आपकी मित्र है, आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए बनी है, अतः बेहिचक पुलिस से बताकर अपनी समस्या सुनाएं। वहीं संवाद के दौरान स्कूली छात्राओं ने आगे बढ़कर एसएसपी से भी तीखे सवाल किए। भाई देखिए, ऐसा है जो जितने लोग आगे आज से 15 साल बाद का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव प्लान कर रहे हों, मैंने बोला ना टैलेंट छोटे शहर से आता है, तो इनके पास टैलेंट है। देखिए इस उम्र में जो है कितना ओजस्वी भाषण दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये यही चीज़ की ज़रूरत है। देखिए आरडी कॉलेज में आज मैं आया था पुलिस की पाठशाला में, बच्चों को हमने उनके सक्सेसफुल होने के बारे में, पुलिस के बारे में और जो भी भ्रांतियाँ थी और नंबरों के बारे में, मोबाइल नंबर्स के बारे में बताया। अच्छा रिस्पांस रहा, बच्चों ने काफ़ी तन्मयता से बात सुनी। एटा से टाइम सिटी न्यूज़ के लिए गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज़ खबर आपके मतलब।